वही दूसरी ओर दुर्ग का जेआरडी स्कूल, जिसे अब स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय दुर्ग के नाम से जाना जाता है, वहां की प्राचार्य संगीता नायर के ऊपर पिछले दिनों स्कूल की छात्राओं ने दुर्व्यवहार करने सहित कई गंभीर आरोप लगाकर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा मामले की जांच का जिम्मा एसडीएम मुकेश रावते को देकर प्रिंसिपल का अस्थायी तबादला विनायकपुर कर दिया गया था। उक्त मामले की जांच के लिए जांच टीम ज्वाइंट कलेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व में बुधवार को जेआरडी स्कूल पहुंची, जहां बंद कमरे में छात्राओं सहित अन्य लोगों का बयान दर्ज किया गया। बहरहाल छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा जांच रिपोर्ट के पेश होने पर ही हो पाएगा। लेकिन एक महिला प्राचार्य छात्राओं के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है, इसे लेकर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। प्राचार्य का व्यवहार ठीक था, वो हर चीज में मतलब अनुशासन बनाए रखती थी, लेकिन किस मतलब कई लोगों को अनुशासन पसंद नहीं आने लगा, इसलिए उनका विरोध करने लगी। जैसे कि जो लोग अभी कलेक्टर गए थे उनको मतलब ट्रांसफ़र कराने के लिए, तो उनको पसंद नहीं आया। नहीं सर, नेपकिन का सुविधा हम लोगों को मतलब सुविधा हर चीज़ का मिलता था, वो गलत बोले। मैम थे वो अच्छा थे और हर चीज़ का अनुशासन रखते थे, पर कुछ लोगों को अनुशासन पसंद नहीं आते थे इसलिए बोलते थे, पर हम लोगों को ठीक लगता था। और जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा को भी बताते थे कैसा अनुशासन है, उन लोग को भी ठीक लगता है। और नेपकिन के बारे में मतलब कि हर मतलब नेपकिन देते थे, पर ना क्या बोलते हैं हमेशा मतलब हमेशा देते थे नेपकिन, और कभी भी कुछ चीज़ का कमी नहीं करते थे हर चीज़। जिस तरह से पिछले दिनों गवर्नमेंट स्कूल के मामले को लेकर स्कूल के प्राचार्य के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में शिकायत की गई थी, और काफ़ी ये चर्चा का विषय बना रहा, और जिसमें जनप्रतिनिधि के अलावा स्कूल के बच्चों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया था, कहीं ना कहीं जो स्कूल की जो प्राचार्य संगीता नायर, उसको लेकर कितनी बात सही है और उस चीज़ की कितनी सच्चाई है, उसको लेकर आज दुर्ग कलेक्टर के निर्देश पर एक जांच दल यहां आया हुआ है। अब देखना यह है कि किस तरह से ये किन बिंदुओं पर जांच करते हैं और क्या निष्कर्ष निकलता है। इस वक्त हम खड़े हैं दुर्ग के गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पर दुर्ग कलेक्टर के द्वारा पहुँची जाँच दल टीम संगीता नायर के मामले में जांच करने आई है। अब देखना यह होगा कि किस तरह से इसमें निष्कर्ष निकलता है और क्या जांच बिंदुओं में सामने आता है। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।